नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग पर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं तनोट माता के लिए आज निकल रहा हूँ। कल भी मैंने ये बोला था लेकिन कल किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन आज अपन निकल रहे हैं, तैयार हो चुके हैं और चुटकी बजाते ही अभी निकलेंगे। बस मैं फ्रिज में ठंडा पानी लेने आया था, मैंने अपनी बोतल को यहाँ कल फ्रीजर में रख दिया था। मेरे को लग रहा था कि इसकी बर्फ़ जम गई होगी और जम गई है। लिटरली खोलना भी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ये तो खुल गया था लेकिन इसमें से थुड़की थुड़की करके पानी बाहर आ रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई। तो चलिए देवी और सज्जनों, करते हैं हमारा सफ़र शुरू तनोट माता का। तनोट माता का जो मंदिर है वो जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर है, और अगर आपको तनोट माता से बॉर्डर की साइड आगे जाना है, जो कि जल्दी खुलने वाला है, तो यहाँ से आपको बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिस है, यहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। BSF का नॉर्थ का हेडक्वार्टर है ये, यहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और यहाँ से परमिशन लेके आप विदिन 24 आवर्स आपको परमिशन मिल जाती है, और फिर आप तनोट माता से आगे बॉर्डर की साइड 20 किलोमीटर जो एरिया है वो आप जा सकते हो, कवर कर सकते हो विद परमिशन। जैसे इंडिया में राहुल और राज, ये दो नाम कॉमन है, वैसे ही एक गांव का नाम कॉमन है, एक शहर का नाम रामगढ़। ये आपको साउथ इंडिया में जाओगे वहाँ मिल जाएगा, कहीं भी जाओ इंडिया के किसी पार्ट में एक रामगढ़ ज़रूर मिलेगा, मतलब कोई गांव होगा, कोई शहर होगा। जैसे कि हम अभी रामगढ़ में हैं, गंगानगर मिष्ठान भंडार में, तो आइए रामगढ़ में। और ये जो एरिया है ये सेंटर पॉइंट है जैसलमेर का और तनोट माता का, मतलब यहाँ से इतना ही जैसलमेर पड़ता है और इतना ही तनोट माता का मंदिर पड़ता है। मैं तनोट माता मंदिर से अभी भी 20 किलोमीटर की दूरी पे हूँ और 100 किलोमीटर में पूरे कर चुका हूँ बाइक से। और व्यू देखो, ये जो व्यू है ना, ये है असली राजस्थान, ये है असली डेजर्ट। मतलब क्या नज़ारे हैं यार दोनों साइड। ये जो घर लग रहे हैं ना, ऊपर से रोड आ रही है यहाँ तक नीचे जा रही है, जो घर लग रहे हैं ना ऐसे लग रहे हैं, मतलब यहाँ से खड़े होके आपको एक अच्छी खूबसूरत शानदार इंस्टाग्रामेबल पिक्चर मिल सकती है और आपके इंस्टाग्राम पे 22 लाइक पक्के हैं। और इस एरिया का नाम है रनाउ डेजर्ट, तो जैसलमेर आएँ इधर ज़रूर आएँ। सैम को मिस कर सकते हो लेकिन इसको चांस ही नहीं। पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये है तनोट माता का मंदिर, और ये आसपास जो है गांव इस साइड और उस साइड, ये है तनोट गांव। अभी एक्चुअली कोरोना वायरस देवता की वजह से बंद है मंदिर और किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। खैर अभी राजस्थान सरकार ने घोषणा कर दी है कि 7 सितंबर से शायद खुलने वाला है, तो अगर आप उसके बाद आ रहे हैं तो आके दर्शन कर सकते हैं, मंदिर के अंदर जा सकते हैं। वैसे मोटा मोटी जो मेरे को कहानी पता है मंदिर की, वो ये है कि यहाँ तकरीबन 3000 बम गिराए गए थे इस मंदिर के ऊपर 71 की लड़ाई में, और इस मंदिर के अंदर 200 से 300 जवान थे लेकिन उनमें से एक भी नहीं फटा, और ये माता जी का चमत्कार है। और अभी भी इस मंदिर के अंदर 7 से 8 वो बम जो गिराए गए थे वो रखे हुए हैं दिखाने के लिए लोगों को कि ये थे वो बम जो आज तक फटे नहीं हैं, 71 से लेके आज 2020 तक। तो अपन एक काम कर लेते हैं, यहाँ ढूंढते हैं किसी बुज़ुर्ग को और उनसे बात करते हैं कि क्या हिस्ट्री थी, और उनके शब्दों में पूछेंगे उनसे कि आप कैसे बयान करते हैं उस इतिहास को। क्या नाम है साहब ना? नथुराम। तो 65 और 71 की जब लड़ाई हुई थी आप यहीं पे थे इस गांव में, तो ये जब यहाँ बम वगैरह गिरे तो आपको खाली करने के आदेश नहीं दिए कि आप पीछे चले जाओ खाली करके गांव? पीछे चले गए थे। कहाँ चले गए पीछे? रामगढ़ चले गए थे। तो मतलब जब लड़ाई शुरू हुई उससे पहले गए थे, बाद में गए थे आप? जब शुरू हुई थी तब। तो जहाँ जब बम वगैरह गिरने लगे गाँव के आसपास बम गिर रहे थे क्या आसपास, तो आपको कोई ऐसा डर भय महसूस नहीं हुआ कि भैया हमें जाना चाहिए पीछे? भैया कुछ नहीं हुआ, माता की कृपा से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई?
आपकी क्या उम्र थी उस टाइम पर? दस साल के थे। ये जो गांव है तनोट, ये आप जैसा है वैसे ही बसा है आप? पहले कच्चे घर थे या कुछ कुछ घर थे यहाँ पर? कच्चे घर थे थोड़े थोड़े। पहले सुरासे थे, मेरे दादा परदादा इधर से। अच्छा, आपके दादा परदादा यहीं पे रहते थे? अच्छा जी। तो मतलब जो वो विभाजन हुआ इंडिया और भारत और पाकिस्तान का, उस टाइम आपके दादा परदादा यहाँ पे रहते थे जब अलग अलग हुए? आप अपन क्या करते, क्या है काम, क्या है अपना? क्या चलाते हैं? बकरी का है। हैं, वो तोड़ दी थी। तोड़ी जिस टाइम कैथर की लड़ाई में। अच्छा, तो आप यहाँ से जब गए थे रामगढ़, कैसे गए थे? पैदल? पैदल गए थे, ऊँट से। ऊँट ऊँट पे गए थे? तो सामान वगैरह तो सब यहीं पे छोड़ दिया होगा, बस अपनी जान बचाओ और निकलो। सामान कुछ खाने पीने का ले लिया होगा, बाकी तो। हाँ बिल्कुल। तो जब लोग तनोट घूमने आते हैं, माता के दर्शन करने आते हैं, गांव वगैरह में भी आते हैं आसपास? हाँ। बात बात करने या लोग आते हैं? बहुत आते हैं, न्यूज़ वाला भी आते हैं। अच्छा, अभी रोक लग गए बहुत। अभी तो लॉकडाउन हो गया उसकी वजह से। एक बात बताओ भाई, आपको इस रिमोट लोकेशन पर रह के कौन सी चीज़ें आप मिस करते हो आपके हिसाब से? मतलब ये चीज़ें हमें नहीं मिल पाती या उससे कनेक्टिविटी आपकी नहीं हो पाती? तो जो हम राशन लेके आते हैं ना जी, वो रामगढ़ से लेके आते हैं, यहाँ उतना अवेलेबल है नहीं। तो रामगढ़ जो यहाँ से 50 किलोमीटर, जैसे अपना कपड़ा वगैरह हो गया, जूती वगैरह हो गई, रामगढ़ से लेके आते हैं। ये एक मुश्किल है, ये मुश्किल है। दूसरे बाद में यहाँ पे स्कूल भी 5 ही तक है। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद रणव जाना पड़ता है 20 किलोमीटर आगे। हाँ, ये भी प्रॉब्लम है। तो अब आने जाने के लिए बच्चों के लिए क्या साधन है वहाँ तक स्कूल के? जाते हैं गाड़ी, जो मतलब यहाँ की गाड़ी चलती है एक। अच्छा, वो लेके जाती है? लेके जाती है। बाकी जो किराया बढ़ा था वो अपने उसी हिसाब से, जैसे बच्चों पे होता ना, मतलब यहाँ तो आपको देख रहे हो क्या क्या मिलेगा, जो सब्जी वगैरह हम तो लोग रामगढ़ से लेके आते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं मिलती है। सब्जी वगैरह भी आप वहीं से लेके आते हो? यहाँ आप तो देखो ना, यहाँ ऐसा यहाँ होती नहीं है पैदावार, कुछ उगा नहीं सकता। तो रिया, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, 50 किलोमीटर आपको हर एक चीज़ के लिए जाना पड़ता है। और नंबर दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम डिलीवरी के लिए जो है ना, हमारे को रामगढ़ जाना पड़ता है। वैसे अभी नर्स क्वार्टर है ये। अच्छा, नर्स क्वार्टर है ये, लेकिन जाना पड़ता है, वहीं जाना पड़ता है। एनम बैठती है, लेकिन हमें वहीं जाना पड़ता है। तो मतलब बेसिकली हर एक छोटे से और हर एक बड़े काम के लिए आपको रामगढ़ ही पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, यहाँ आपको कुछ मिल नहीं पाता। इंटरनेट वगैरह फोन सर्विस तो होंगे यहाँ प्रॉपर? जियो का यहाँ पे टावर है, बीएसएनएल का है, दो टावर है। बाकी यहाँ बसें तो लॉकडाउन से पहले चलती थी, लेकिन अभी तो नहीं चलती। अब तो बिल्कुल ही गांव की जो 2-4 गाड़ियाँ हैं वही जाती आती थी, हम तो उन्हीं में आ जा करते हैं। अच्छा, उन्हीं में आ जाओ, मतलब अगर वार सवेर हो जाए तो फिर व्हीकल मिलना ही नहीं कुछ यहाँ तक, फिर तो आपको रामगढ़ में रुकना पड़ेगा। एक तो जो रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसमें यहाँ गाँव के कुछ लोग काम करते हैं, और एक इंडियन ऑयल की वो है यहाँ पर, उसमें भी हमारे जो लड़के हैं वो भी काम करते हैं, और उसके अलावा जो पशुपालन का है, उसके अलावा पशुपालन, तो मतलब और काम करने की भी ज़्यादा चॉइस नहीं है अपने पास यहाँ पर, रोजगार की है। तनोट माता आए और खेतपाल भाई के पास बैठ के चाय नहीं पी तो तनोट माता आई क्यों? ये बताओ। तो अगर आप तनोट माता मंदिर आ रहे हैं तो खेतपाल भाई से जरूर मिलिएगा, यहाँ पे आएगा, बकरी के दूध की चाय पिएगा, और एक बकरी का फोटो लो सर पास में, आप लाओ उठा ही लाओ। और बाकी खेतपाल भाई आपको जो एक गांव है इनका, ये पूरा गांव आपको घुमाएंगे। अगर आपको कच्चे घर देखने, मिट्टी के छप्पर वाले घर देखने हैं, मतलब जो भी आपको देखना है, राजस्थानी कल्चर कैसे रहते हैं यहाँ पे बॉर्डर के पास लोग, तो सब आपको इनसे मिलेगा। और इनका जो फ़ोन नंबर है वो मैं नीचे लिख दूंगा, क्या इजाज़त है लिखने की? आप इनको वहाँ पर आकर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और मिल सकते हैं। जो नंबर डाल रहा हूँ वो गणपत भाई का है, तो गणपत भाई के पास आप फ़ोन कर सकते हो, या तो गणपत भाई मिलेंगे या खेतपाल भाई, दोनों में से कोई भी मिल जाएंगे। आप आइए, बात कीजिए, बकरियों से मिलिए, यहाँ बैठिए, अंकल जी से मिलिए, अंकल जी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताएंगे 71 के बारे में, 65 के बारे में। एक चीज़ इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी कि रामगढ़ से जब आप तनोट आ रहे हो, और या तनोट माता से आप लोंगेवाला जा रहे हो, या लोंगेवाला से फिर आप वापस रामगढ़ जा रहे हो, तो इस पूरे सर्किट में कहीं भी एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो या तो अपनी टैंकी फुल करवा के आएँ ताकि आपको बीच में ज़रूरत ना पड़े, या फिर आप गणपत भाई को फ़ोन कर दें।
ये आपके लिए जुगाड़ करेंगे कुछ ना कुछ। स्कूल तो यहाँ तो पाँचवीं तक है सर। पाँचवीं तक यहाँ गाँव में ये सामने स्कूल है। स्कूल है, बाकी यहाँ पे जो बच्चे जो हैं बारहवीं तक रणव जाते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाते हैं। तो यार ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि 20 किलोमीटर बच्चों को, मतलब पाँचवीं से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। गांव में एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए कि तनोट फेमस पॉइंट है, इतने टूरिस्ट आते हैं, इतने लोग आते हैं। ये इंसानियत के लिए हमारे लिए बड़ी शर्मचार करने वाली बात है कि यहाँ इस टूरिस्ट पॉइंट पर, इतने बढ़िया प्लेस पर पाँचवीं तक स्कूल है, बारहवीं तक स्कूल भी नहीं है। तो शायद यहाँ की जो पंचायत है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि भाई एटलीस्ट स्कूल तो हो, और जो सरकारें हैं वो भी एक बार गौर करें थोड़ा सा इस चीज़ पर। तो जी ये रोड आता है रामगढ़ से तनोट माता की साइड, ये रोड जाता है किशनगढ़ की साइड, और ये वाला जो रोड है ये जाता है लोंगे वाला की साइड, और मुझे अभी इस रोड पे जाना है लोंगे वाला। अच्छा जी एक जानकारी और कि तनोट माता से आपको बॉर्डर की साइड अगर जाना है जो कि 20 किलोमीटर दूर है वहाँ से, तो आप बाइक पे नहीं जा सकते, आप सिर्फ गाड़ी में जा सकते हो। और अगर आप बाइक पे आए तो आपको वहाँ बाइक खड़ी करनी पड़ेगी, वहाँ से गाड़ी रेंट करनी पड़ेगी, 500-700 रुपये लगेंगे आपके, फिर आप बॉर्डर जा सकते हो और वापिस आ सकते हो। परमिशन पहले लेनी पड़ती है, मैंने आपको बताया था, दैट्स ऑल। तो देखते रहिए हमारी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक मार दो। रोड देख रहे हो लोंगे वाला, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, बोर्ड के पास ही खड़ा हूँ मैं क्योंकि एक 7 फेवरेट नंबर, एक सेल्फी तो बनती थी। चकाचक रोड, मतलब डेवलपमेंट इंडिया, लव यू, जय हिंद।